अंडों से चूजे निकालने के लिए तो आपको जिस उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी उसमें ये बहुत ज़रूरी है। ये होता है टेम्परेचर को बिल्कुल एक्यूरेट बनाए रखता है। तो इसके लिए आप देखिए, इसमें 12 वोल्ट की यहाँ पे सप्लाई दी जा रही है और यहाँ पे उसका निगेटिव रहेगा। तो आपको ऐसे एक अडाप्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो 12 वोल्ट दे सके 1 एम्पियर के करीब। 1 एम्पियर से कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इतना आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप देखिए, इसमें कुछ सेटिंग रहती है, उस सेटिंग को करना होता है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, तो यहाँ पे सप्लाई हो गई इस दुआले में, और ये जो ये पॉइंट है, इसमें जो बल्ब लगाएंगे तो उसका एक वायर कट करेंगे। एक वायर जब कट करेंगे तो दो वायर बनेगा, एक वायर इसमें लगाएंगे और दूसरा वाला इसमें लगा देंगे। यानी ये स्विच का काम करेगा उस समय जब ये टेम्परेचर को सेट करना रहेगा। तो कैसे सेट करेंगे इसको, हम पहले इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, हो गया कन्फर्म। तो अभी इसको हम साइड में कर लेते हैं। चेक करने से फ़ायदा ये रहता है कि कभी कभी दोनों एक ही कलर रहता है तो उसमें समस्या हो सकती है। तो अभी मैंने ये पावर इसका जो एडाप्टर से आया सप्लाई 12 वोल्ट की, वो जोड़ दिया। और ये देखिए, ये बल्ब के लिए जो कनेक्शन गया है, तो यहाँ पे बल्ब है, ये बल्ब में मैंने कनेक्शन किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सप्लाई मेन आई है, एक वायर इसमें से हो करके वापस डायरेक्ट बल्ब के लिए गया और दूसरा को यहाँ पर मैंने ज्वाइंट कर दिया। ये मतलब ऐसे होगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है। बस इतना ही आपको कनेक्शन करना है, कुछ नहीं। तो चलिए इसके सेटिंग करते हैं और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो पावर ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें बस दो सेटिंग करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। पहली बटन को एक बार दबा के रखिए, ये हुआ P0। वापस एक बार दबाइए इसको, और इसमें हीट मोड और कूलिंग मोड दो रहता है। तो अभी हमको हीट की ज़रूरत है तो हम हीट पे छोड़ दिए और वापस इसको प्रेस किया, 0 हुआ। और 1 में एक सेटिंग करनी है, 1 में वो सेटिंग करनी होती है, और वापस इसको दबा दिया। इसमें ये सेटिंग करनी होती है कि कितने वोल्टे कितने टेम्परेचर को वेरिएबल होने तक, मतलब कितना वोल्टेज के उतार चढ़ाव के बीच में वो बनाए रखे। तो आप इसमें जितना चाहें वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, एक सेल्सियस तक कर सकते हैं या तो कम कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0.5, क्योंकि 0.5 तक रहेगा तो मतलब बहुत थोड़े समय में ही रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो चलिए इसको वापस P0, तो इसको छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक जो है सिस्टम में इसके स्टोर हो जाता है। तो स्टोर होने दीजिए, देखिए हो गया स्टोर। अब ये रूम टेम्परेचर बता रहा है, अब हमको सेटिंग क्या करनी पड़ेगी। अभी जो ये बता रहा है, ये रूम का टेम्परेचर बता रहा है। तो अभी हम इसको कितने ना टेम्परेचर हमको चाहिए वो अभी हम इसमें सेट करेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, इस वाली बटन को एक बार प्रेस करना होता है, एक बार झटके से बस। तो आप देखेंगे कि ब्लिंक करने लगा, बराबर। अब इसको हमको टेम्परेचर को कितने पे सेट करना है ये डिपेंड करता है कि हमको चाहिए क्या। तो अभी हम मान लीजिए कि अंडों से चूजे निकालना है तो वहाँ पे टेम्परेचर हमको 37 से 38 तक चाहिए। तो हम यहाँ पे 37.5 सेट करता हूँ, न ज़्यादा न कम, 37.5 कर लेता हूँ। चलिए ये हुआ 35, ये हुआ 36, और ये हुआ, ये वाली बटन दबा रहा हूँ, बीच वाली प्लस करके मैं अभी जा रहा हूँ, और इससे माइनस होता है, वही चीज़ माइनस होगा इससे प्लस होगा। तो 35.5 हो गया, 37, और ये अब देखिए ऑन भी हो गया, ये लाइट भी जल गई और ये बल्ब भी ऑन हो गया। लगता है ये सेंसर ज़्यादा ही दूर है, पास में कर लेते हैं, बढ़ना शुरू हुआ।
अभी 37.5 पे फिर वापस कट होगा, क्योंकि उतना ही मैंने इसको कमांड दे दिया है यानी सेटिंग कर दिया है, बस इतना ही है, इसमें बहुत वो नहीं है। अभी बल्ब बंद हो गया, हीट आना बंद हो गया, तो अभी डाउन होगा फिर ये। और आएगा ये वापस 37 तक, 37 के आने के बाद फिर वापस चालू हो जाएगा। बस इतने के लिए लोग कितना खर्चा कर देते हैं देखिए, बस यही है इसका। और बाकी जैसे चाहें अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। इस तरह एक कागज़ का जो है पुट्ठा का बॉक्स ले लेते हैं, उसमें बल्ब लगा करके, और बल्ब इसमें लगाएंगे 15 से 20 वाट का, क्योंकि ज़्यादा हीट अच्छा नहीं है, धीरे धीरे हीट रहेगा, पूरे दिन जलना है और बंद होना है, तो ऐसे लगाएंगे। और इसमें एक फ़ैन लगाएंगे, तो फ़ैन अपने हिसाब से आप जिधर चाहें उधर लगा सकते हैं। तो मैं इसमें एक्चुअली इस बॉक्स में मैं ऊपर की तरफ लगा देता हूँ, और इसमें चारों तरफ से होल कर देंगे, और एक कटोरी में पानी रखना इसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि हीट बनेगी और बिल्कुल सूखा सूखा रहेगा, तो पानी रहता है कटोरी में रखते हैं तो उसमें वाष्पन होगा और अंदर अंदर सर्कुलेट होता रहेगा, जिससे इम्यूनिटी बनी रहेगी, तो अंडे के लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने होल कर दिया है, आप भी ऐसे होल कर दीजिए। और अंडों को दिन में 3 बार जो है आप टाइम बना लीजिए, उसको घुमाना पड़ता है, पलटना पड़ता है, तो आप अपने हिसाब से करते रहिए। और देखिए एकदम बिल्कुल रेडी हो गया है अंडे रखने के लिए।